विधायक स्थानीय विकास कार्यक्रम अंतर्गत राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के 345 विधायकों को 70-70 लाख रुपए की निधि समान तौर पर वितरित की जाएगी। सन 2023-2024 के आर्थिक वर्ष में वित्त विभाग ने दूसरी तिमाही के लिए बजटीय प्रावधान की 20% निधि वितरण हेतु उपलब्ध कराई है। विधायक विकास निधि के लिए कुल 271.50 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे, ऐसा राज्य के वित्त व नियोजन विभाग द्वारा बताया गया है। इस समय समूचे राज्य में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन व आंदोलन का दौर चल रहा है। साथ ही जालना में मराठा आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज को लेकर राज्य के मराठा समाज बंधुओं में अच्छा खासा रोष व्याप्त है। इसी के तहत आज अकोला जिले में सकल मराठा समाज द्वारा जिला बंद का आह्वान किया गया था, जिसे काफी प्रतिसाद मिला। वहीं बुलढाणा जिले के खामगांव में उपविभागीय कार्यालय के सामने ठिया आंदोलन करते हुए मराठा समाज बंधुओं ने जालना में चल रहे आंदोलन का समर्थन किया। इसके अलावा जालना जिले के महागांव में सकल मराठा कुणबी समाज ने सरकार की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालते हुए जालना में मराठा समाज बंधुओं पर हुए लाठीचार्ज का निषेध किया। केंद्रीय पर्यावरण व मौसम बदलाव मंत्रालय की ओर से कल गुरुवार 7 सितंबर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार भोपाल में वितरित किए गए। इस स्पर्धा में अमरावती शहर ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है। भोपाल में आयोजित हुए कार्यक्रम में अमरावती मनपा के आयुक्त देवीदास पवार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के हाथों यह पुरस्कार स्वीकार किया। इस पुरस्कार के तहत अमरावती महानगरपालिका को 75 लाख रुपए नगद व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। विगत 3 सप्ताह से अमरावती शहर से जिले में बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण फसलों की स्थिति काफी खराब हो गई थी, परंतु बुधवार से जिले के अधिकांश इलाकों में बारिश होने के चलते फसलों को जीवनदान मिला है। गुरुवार 7 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे से 5 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई। इस 1.5 घंटे के दौरान शहर में 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं जिले के कई ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश होने की खबरें प्राप्त हैं। आगामी 3 दिनों के दौरान जिले में मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य विधानमंडल के सहयोगी सदस्यों के साथ 3 दिवसीय यूरोपीय देशों का दौरा किया। इस दौरे के तहत उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में राष्ट्रकुल संसदीय मंडल मुख्यालय व महासचिव के साथ भेंट की, साथ ही लंदन स्थित भारत भवन व अंबेडकर भवन को भेंट दी, जहाँ पर उन्होंने महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अभिवादन किया। यूरोप दौरे से लौटने के बाद विधायक सुलभा खोड़के की अध्यक्षता में संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में अमरावती जिला सिद्धिविनायक महिला बचतगढ़ सहकारी संस्था की 21वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए संस्था के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ करने की प्रशासन की गतिविधि चल रही है। वहीं इस महाविद्यालय को लाने का भगीरथ प्रयास करने वाले किरण पातुरकर भी अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। उन्होंने गुरुवार को विधायक प्रताप अड़सड़ के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री तथा जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस बारे में मुलाकात की, जिसके बाद पातुरकर ने बताया कि राष्ट्रीय परिषद के पास महाविद्यालय की मान्यता हेतु आवेदन करना होगा। इस आवेदन की अंतिम तिथि 17 सितम्बर है। जिला कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र तथा मॉडल करियर सेंटर द्वारा प्रत्येक माह के 3रे मंगलवार को चलाई जाने वाली प्लेसमेंट ड्राइव के तहत इस महीने में 35 युवाओं का निजी कंपनियों में प्राथमिक चयन हुआ। इन सभी युवाओं को आज जिलाधीश कार्यालय में जिलाधीश सौरभ कटियार के हाथों नियुक्ति पत्र देकर उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा संत गाड़गे बाबा समाधि मंदिर के सामने प्रांगण में आज भव्य दही हांडी स्पर्धा का आयोजन हुआ, जो दोपहर को सलामी के बाद शुरू हुई। इस दही हांडी स्पर्धा में कई गांव देहातों व शहर के विभिन्न हिस्सों से गोविंदाओं की 10 टोलियां पहुंची हैं। साथ ही दही हांडी स्पर्धा को देखने के लिए युवा वर्ग भी काफी बड़ी संख्या में उमड़ा है। शहर में दही हांडी स्पर्धा का आयोजन शुरू होने से युवा वर्ग जोश में नजर आ रहा है। इस आयोजन में हिंदी मराठी फिल्म इंडस्ट्री की श्रुति मराठे बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थी, जो सभी के आकर्षण का केंद्र रही। राष्ट्र रक्षा मंच ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देने वाले तमिलनाडु राज्य के मंत्री उदयनिधि स्टेलिंग के बयान का कड़ा निषेध करते हुए उन्हें तत्काल मंत्री पद से हटाकर गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जिले के पूर्व पालक मंत्री विधायक प्रवीण पोटे पाटिल को ज्ञापन सौंपा। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के 2 सीनेटरों द्वारा आरोप लगाया गया कि विद्यापीठ से संलग्न महाविद्यालयों में कुलगुरु कोटे की 10% सीटों पर प्रवेश में प्राचार्यों द्वारा मनमानी की जा रही है। बीबीए बीसीए व बीकॉम इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रवेश में यह गड़बड़ी होने की शिकायत करते हुए मामले की सघन जाँच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। निर्भय वनो विचार मंच द्वारा अमरावती में आयोजित भारतीय लोकशाही विषय पर आगामी शनिवार 9 सितंबर को शाम 6 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में जाहिर व्याख्यान का आयोजन किया गया है, जिसमें ख्यातनाम विख्याता विश्वंभर चौधरी व असीम सरोदे प्रमुखता से उपस्थित रहकर मार्गदर्शन करेंगे, ऐसी जानकारी आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई है।
अम्बा नगरी फोटोग्राफर वीडियोग्राफर एसोसिएशन की ओर से आज स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन की आर्ट गैलरी में भव्य राज्य स्तरीय चित्र स्पर्धा और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन गणमान्यों के हाथों हुआ। इस फोटो प्रदर्शनी व स्पर्धा का उद्घाटन पूर्व सांसद अनंत गुढ़े की अध्यक्षता में हुआ। तपोवन व विद्यापीठ परिसर में तेंदुए का आतंक विगत 3 दिनों से अचानक बढ़ गया है, जिससे आसपास के परिसर के नागरिक काफी डरे हुए हैं। ऐसे में वन विभाग की टीम ट्रैप कैमरे लगाने के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अब तक कोई तेंदुआ हाथ नहीं आया है। अमरावती शहर के मध्यवर्ती बस स्थाना की इमारत जर्जर अवस्था में रहने के कारण निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर इस इमारत की मरम्मत का काम शुरू किया गया है, लेकिन पता चला है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा मरम्मत के नाम पर केवल लीपापोती की जा रही है। लाखों रुपए के खर्च से यह काम शुरू किया गया है, जिसमें लीपापोती किए जाने का आरोप अपने आप में काफी गंभीर है। स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में आज से जिला स्तरीय शालेय कुश्ती स्पर्धा का आरंभ हुआ। इस स्पर्धा का शुभारंभ करते हुए भाजपा के प्रदेश सचिव जयंत डेहनकर ने सभी शालेय विद्यार्थियों को शुभकामना देते हुए कहा कि खेल भावना सर्वोपरि होती है। वलगांव रोड स्थित अब्दुल्ला पैलेस में शनिवार 9 सितंबर से 14 से 19 वर्षीय आयु के छात्र छात्राओं की फ्री स्टाइल व ग्रीको रोमन शालेय जिला शालेय कुश्ती क्रीडा स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इस स्पर्धा में करीब 150 शालेय स्पर्धक शामिल होने वाले हैं। अमरावती शहर से जिले में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। सभी श्री कृष्ण मंदिरों में बुधवार से शुरू कार्यक्रमों का सिलसिला शुक्रवार तक जारी रहा और चारों ओर श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम दिखाई दी। माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत राधा कृष्ण मंदिर सेवा समिति ने 2 दिवसीय कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया है। इस आयोजन में गुरुवार की शाम आयोजित भजन संध्या में भाविक श्रद्धालुओं ने थिरकते हुए एक दूसरे को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाइयां दी। रैली प्लॉट स्थित सत्यधाम मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व भादवावदी अमावस्या का महोत्सव मनाया गया। इस समय कई ख्यातनाम भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत करते हुए भाविक श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। सावनपुरा में इंद्रभुवन थिएटर के पास पार्थ सारथी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई, जिसके तहत दोपहर 1 बजे महिलाओं द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए और रात 8:30 बजे रामदेव बाबा भक्त मंडल द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। पश्चात रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी गई और भगवान को 56 भोग अर्पित किया गया। राठी नगर के सरस्वती कॉलोनी में श्री रुक्मिणी आध्यात्मिक संस्कार केंद्र इस्कॉन में 31 अगस्त से जन्माष्टमी उत्सव चल रहा है, जहां पर भागवत कथा का आयोजन शुरू है। साथ ही गत रोज यहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसके तहत विशेष श्रृंगार व अखंड संकीर्तन किया गया। शहर के मांगीलाल प्लॉट निवासी रामेश्वर गगड़ के निवास पर श्री शिव प्रसाद में बड़ी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी व नंदोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर गगड़ परिवार की महिलाओं ने श्री कृष्ण लला की झांकी की तैयारी करते हुए सुंदर झांकी प्रस्तुत की। साथ ही सतीश श्रीवास की टीम ने सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी। आगामी गणेशोत्सव के दौरान शहर में कानून व व्यवस्था अबाधित रखने के लिए शहर पुलिस ने कुख्यातों की सूची तैयार की है। गणेश स्थापना से पहले आयुक्तालय के 20 सीटर तड़ीपार व 6 कुख्यातों पर MPDA का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा 3 आपराधिक गिरोहों पर मकोका और 5 बदमाशों पर MPDA लगाने की तैयारी भी की जा रही है, ऐसी जानकारी सामने आई है। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गंडलीवा लेआउट परिसर में रहने वाले जानराव अवगढ़ के घर पर किरण घोंगरे नामक प्रॉपर्टी दलाल ने अनधिकृत तरीके से प्रवेश करते हुए जमकर हंगामा मचाया। साथ ही प्रॉपर्टी के लेनदेन को लेकर अटके व्यवहार की एवज में 1 करोड़ रुपए की मांग करते हुए जानराव अवगढ़ को चाकू मार देने और खुद जहर घटक लेने की धमकी दी। इस मामले में जानराव अवगढ़ द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गाड़गेनगर पुलिस ने किरण घोंगरे के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। बुलढाणा जिले में गुरुवार की सुबह लोनार तहसील के बीबी वाणवा मार्ग पर ST बस और स्कूल बस की टक्कर होने से 17 शालेय छात्र छात्राएं बुरी तरह से घायल हुए। वहीं दूसरा हादसा शुक्रवार को तड़के उस समय हुआ जब निजी बस दुर्घटनाग्रस्त होने से 8 यात्री घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जन्माष्टमी उपलक्ष्य शाला में दही हांडी का कार्यक्रम था, ऐसे में सहकार विद्या मंदिर के बच्चे विविध वेशभूषा में जा रहे थे और मांडवा गांव के निकट ST बस ने अनियंत्रित होकर बच्चों के वाहन को टक्कर मार दी, जिससे वाहन चालक सहित शालेय विद्यार्थी घायल हुए।
वहीं दूसरी ओर पुराने मुंबई पुणे नागपुर महामार्ग पर सुल्तानपुर के निकट साई अमृत ट्रेवल की पुणे से नागपुर जा रही बस सुबह 7:15 बजे हादसे का शिकार हुई। चालक को झपकी आने के कारण बस पेड़ से टकराई और पलट गई, जिससे 8 मुसाफिर और चालक घायल हो गए। वर्धा जिले के पोहना परिसर में अपने वाहन पर लाल बत्ती लगाने के साथ ही सायरन बजाते हुए आए 5 लोगों ने नागपुर से हैदराबाद की ओर जा रही कार को रुकवाया, जिसके बाद कार चालक सहित कार में सवार एक अन्य व्यक्ति की कनपट्टी पर पिस्तौल लगाते हुए उनके साथ मारपीट की गई और दोनों के मोबाइल छीनकर कार में सवार दोनों लोगों को कार से नीचे उतारते हुए कार में रखे 4,52,00,000 रुपए की नगद रकम सहित 5 आरोपी कार लेकर मौके से भाग गए। 6 सितम्बर की सुबह घटित हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही वर्धा के जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के निर्देश पर पुलिस कथक ने नागपुर जाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 3,26,50,000 रुपए की रकम और चुराई गई कार को जब्त किया। वहीं अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। अमरावती शहर में मनोरंजन क्लब के नाम पर खुलेआम जुआ अड्डा शुरू रहने की जानकारी पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को मिलते ही उन्होंने शहर पुलिस को कार्रवाई करते हुए वर्ली मटका चालकों की धरपकड़ शुरू करते हुए कई मामले दर्ज करवाए। इस कार्रवाई के चलते शहर के कई वर्ली मटका व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरियापुर तहसील के खल्लार गांव में कूलर के जरिए बिजली का जोरदार झटका लगने की वजह से 13 माह के आयु वाले जियान शाह नासिर शाह नामक बच्चे की मौत हो गई। यह घटना बुधवार की शाम 6 बजे के आसपास घटित हुई थी। अचलपुर के सावलापुर गांव में आवारा व पागल कुत्ते द्वारा काटे जाने के चलते घायल होने के साथ ही पगला चूके बैल की आखिरकार 7 सितंबर को मौत हो गई। इस घटना के चलते गांव में आवारा घूमने वाले कुत्तों को लेकर ग्रामीणों का प्रशासन के संदर्भ में रोष व्याप्त है। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्वती नगर परिसर में रहने वाली मीना उगड़े नामक 39 वर्षीय महिला विगत 3 सितंबर की दोपहर अपने घर से किसी काम से बाहर निकली थी, लेकिन इसके बाद लापता हो गई। मीना उगड़े की गुमशुदगी को लेकर कोल्हापुरी गेट पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। साथ ही कोल्हापुरी गेट पुलिस ने मीना उगड़े का छायाचित्र व ब्यौरा जारी करते हुए सभी लोगों से महिला के संदर्भ में कोई भी जानकारी रहने पर पुलिस को सूचित करने का आह्वान किया है। माढ़ा कॉलोनी में रहने वाला अंकुश संतोष मिश्राम नामक 22 वर्षीय युवक कल 7 सितंबर से लापता है। इस मामले को लेकर कोल्हापुरी गेट पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। साथ ही मामले की जांच में कोल्हापुरी गेट सहित राजापेट व क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की पुलिस लगी हुई है। पुलिस ने इस युवक के बारे में कोई भी जानकारी रहने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने का आह्वान किया है। कुरहा पुलिस थाना क्षेत्र के अंजन सिंह की गांव से चुराई गई टाटा सुमो के मामले की जांच करते हुए ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस की टीम ने बादशाह सिंह टाक नामक आरोपी को मध्यवर्ती बस थाना परिसर से अपनी हिरासत में लिया, जिसने उक्त वाहन की चोरी की कबूली देने के साथ ही अपने 2 साथीदारों के साथ उसी वाहन का प्रयोग करते हुए वर्धा के पुलगांव शहर में सेंधमारी किए जाने की कबूली दी। ऐसे में ग्रामीण पुलिस अब इस आरोपी के अन्य 2 साथीदारों की तलाश कर रही है। शहर पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 द्वारा अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत गैर कानूनी धंधों पर अंकुश लगाने हेतु एक के बाद एक धड़ाधड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते गत रोज 2 वर्ली मटका अड्डों व 1 शराब अड्डे पर क्राइम ब्रांच के पथक ने छापा मारते हुए एक महिला सहित करीब 6 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करवाए। वरुड़ के ग्रामीण अस्पताल में मुलताई तहसील के 8नेर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग युवती को पेट दर्द की शिकायत रहने के चलते इलाज हेतु भर्ती कराया गया था, जहां पर पता चला कि उक्त नाबालिग युवती 5 माह की गर्भवती है। साथ ही विगत 31 अगस्त को उक्त युवती का गर्भपात हो गया। पश्चात युवती के बयान पर उसे गर्भवती बनाने वाले उमेश यूने के खिलाफ दुराचार व पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया। शहर के जयसम चौक परिसर स्थित पटेल मार्केट में किराए की दुकान लेकर अपना व्यवसाय करने वाली एक महिला के साथ कवरनगर निवासी ओम खत्री ने जातिवाचक गालियां देते हुए उसे मार्केट से बाहर करने हेतु उसका हाथ पकड़ा। इस मामले में महिला की शिकायत पर ओम खत्री के खिलाफ विनय भंग व एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। दस्तुनगर परिसर स्थित सरकारी आदिवासी छात्रावास के कार्यालय में अपनी समस्याओं को लेकर निवेदन देने हेतु पहुंचे रंजीत सनकुंडे ने कुछ विद्यार्थियों के साथ मिलकर कार्यालय में हंगामा किया और गृहपाल वृंदान राठौड़ के साथ मारपीट की। साथ ही अश्लील गाली गलौज करते हुए सरकारी छात्रावास के कामकाज में बाधा उत्पन्न की। इसे लेकर राठौड़ द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने आरोपी छात्र रंजीत सनकुंडे के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। तिरसा व चांदूर बाजार थाना क्षेत्र में 2 स्थानों पर चोरी का प्रयास करते समय 2 मोटरसाइकिल सवारों को पकड़ लिया गया, जिन्हें संबंधित पुलिस थानों के हवाले किया गया। धामनगौर रेलवे तहसील के सातेफल में शेंडे परिवार के घर दिनदहाड़े हुई चोरी के मामले की जांच करते हुए तलेगांव दशासर पुलिस ने 6 घंटे के भीतर आरोपियों को धर दबोचा और पूरा माल बरामद किया। तिरसा तहसील के सिंदूरजना महुरा गांव की उच्च शिक्षित युवती के साथ आईडी देने के नाम पर 2.5 लाख रुपए की जालसाजी किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। इस मामले में तिरसा पुलिस ने मामला दर्ज किया। यवतमाल के करीब 9 लोगों को 1,38,00,000 रुपए का चूना लगाने वाले ठगबाज के कई कारनामे सामने आ रहे हैं। इस ठगबाज ने अपनी गर्लफ्रेंड पर 22,00,000 रुपए उड़ाए, ऐसी जानकारी पता चली है। इस ठगबाज को नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद यवतमाल आर्थिक अपराध शाखा ने उसे 19 अगस्त को प्रोड्यूस वारंट पर अपनी हिरासत में लिया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हां, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।